Hello friends, welcome to shivelectronics. A life cow WATER-8 mobile lab. Model number is LS-5015. इसमें LCD के अंदर लाइट नहीं आ रही है. देखिए पावर की के अंदर ग्रीन LED ब्लिंक कर रही है, मतलब सेट ऑन है, बैटरी फुल चार्ज है. डिस्प्ले पे कुछ भी दिख नहीं रहा है. इस कंडीशन में आप पहले फोल्डर चेंज करके देखिए, अगर फोल्डर चेंज करने पर भी सेम प्रॉब्लम आ रही है तो मतलब डिस्प्ले लाइट का ही फॉल्ट है. तो आप देखेंगे इसके डिस्प्ले कनेक्टर के नज़दीक ही जाली टाइप बना हुआ है, उसके नीचे आई सी है. आप जाली को हटाएंगे, उसके बाद इस पर वोल्टेज चेक करेंगे. इसमें लाइट आई सी के नीचे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, उस वहाँ पर वोल्टेज आना चाहिए. ये 7.1 वोल्टेज बता रहा है, इसका नहीं है. इसको आपको चेक नहीं करना. इस नीचे कंडेंसर लगा है, उस पर आपको बैटरी का 3.7 से लेकर के 4.2 वोल्ट के बीच चेक करना, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ये ज़्यादा है, ये नहीं है. इसका यहाँ पे आप चेक करिए नीचे, यहाँ पे नीचे चेक करने पर आप देखते हैं कि नीचे वोल्टेज नहीं आ रहा है. तो आपने इसको डायरेक्ट बैटरी से वोल्टेज देंगे, इस आईसी को करंट देंगे. ये 3.7 वोल्ट बैटरी के प्लस वोल्ट का पॉइंट है, वहाँ पर जहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ वहाँ से आपको जंपर देना है लाइट आईसी के नीचे. मैं जंपर लगा लेता हूँ उसको. बैटरी कनेक्टर को हटा देता हूँ एक बार तक कोई शॉर्टिंग ना हो. ये बैटरी का पल्स पॉइंट है, वहाँ पर 3.7 वोल्ट आने चाहिए, वो चेक कर लीजिए आप. उसके बाद उसको शॉर्ट कीजिए. इसको मैंने सोल्ड कर दिया है, बैटरी कनेक्टर को वापस लगाएंगे. सेट को पावर ऑन करके चेक करेंगे, ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है. यहाँ पे वोल्टेज आ गया है, 3.7 वोल्ट आप चेक कर रहे हैं. इस साइड पहले वोल्टेज नहीं आ रहा था, इस साइड भी 3.1 वोल्टेज कितनी है, 7.4 वोल्ट तो पहले भी आ रहा था. अगर फ्रेंड वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए.